हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की पोएम अ हैप्पी चाइल्ड. माय हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग. आई हार्डली एवर क्राई. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन. And under it, I often sit when all my play is done. तो अब हम इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे. इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो बताना चाह रहा है कि my house is red, कि मेरा जो house है वो red color का है, लाल color का है. A little house, और छोटा सा house है, छोटा सा घर है. A happy child am I, और मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं कितना खुश बच्चा हूँ. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं पूरा दिन क्या करते रहता हूँ, खेलते रहता हूँ और खुश रहता हूँ. आई हार्डली एवर क्राई, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि मैं रोता हूँ, मीन्स कि मैं बहुत ही कम रोता हूँ. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, और मेरे पास मतलब कि हमारे घर पे एक पेड़ भी है जो कैसा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ट्री है, बिल्कुल हरा भरा पेड़ है. टू सेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे सूरज की रोशनी जब तेज हो जाती है तो उसमें मुझे वो छाया देता है. एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और मैं क्या करता हूँ, इसकी छाया में, इसके नीचे कभी कभी बैठता हूँ. वेन ऑल माई प्ले इज डन, कब, जब मैं अपने सारे खेलों को खत्म कर लेता हूँ तो मैं उस पेड़ की छाया में बैठ जाता हूँ. तो इसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक घर है जिसका कलर कैसा है, जिसका रंग लाल है, और मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ, और मैं खुश रहने वाला बच्चा हूँ, और मैं क्या करता हूँ, पूरा दिन हंसते रहता हूँ, खेलते रहता हूँ, और मैं बहुत ही कम रोता हूँ. एंड आई हैव अ ट्री, और क्या मैं, हमारे यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही हरा भरा पेड़ है, मैं उसकी छाया में सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए बैठ जाता हूँ जबकि मैं अपने सारे खेल खत्म कर लेता हूँ. तो ये है आपकी पोएम. इसमें हमने न्यू वर्ड सीखे, सी आर वाई क्राई. क्राई मीन्स होता है आपका रोना. डी ए वाई डे, डे मीन्स दिन. आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल. एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज. देखिए यहाँ पे सन बना हुआ है और रेड मीन्स लाल, यहाँ पे रेड कलर लगा हुआ है, तो इनसे भी आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे हो गई हमारी पोएम कंप्लीट.